Hey, welcome back everybody in this video. This video is about the previous year's question paper of the post EVGC. आपके DSSB के द्वारा जो EVGC का एग्जाम आयोजित किया जाता है उसके ये प्रीवियस ईयर्स के पेपर के जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर हैं. एंड ये जो एग्ज़ाम हुआ था वो 2021-30 जुलाई को हुआ था. मैं ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो को क्रिएट कर चुका हूँ जहाँ पर मैं आपको फर्स्ट 20 क्वेश्चन ऑफ साइकोलॉजी को बताया था. उसमें मैंने एग्ज़ाम के प्रोसेस को भी बताया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं. सो इन दिस वीडियो हेयर इज अ सिंपल आइडिया टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ क्वेश्चन. क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और यहाँ पे जो आंसर हैं वो आपको मिलेंगे. ये आंसर DSSB ने माने थे. लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन दैट इज विच फोर्स ऑफ लाइफ स्पैन. वन मिनट. विच फोर्स ऑफ लाइफ स्पैन डेवलपमेंट रिफ्लेक्ट्स डिफरेंसेस इन हाउ द सेम इवेंट अफेक्ट्स पीपल ऑफ डिफरेंट एजेस. इसका जो करेक्ट आंसर माना था DSSB ने लाइफ साइकिल फोर्सेस. सो जस्ट वन मोर थिंग आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं आप अपने सब्जेक्ट्स को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि इसमें कोई भी पर्टिकुलर सिलेबस नहीं है. कि आप केवल जनरल साइकोलॉजी को पढ़ के इसे क्वालिफाई कर सकते हैं या आप क्लिनिकल पढ़ के कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं. ओवरऑल आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए. दिस इज़ द पॉइंट टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं. क्योंकि लोगों को लगता है ना कि पर्टिकुलर किसी बुक के क्वेश्चंस जो होते हैं, जो MCQ होते हैं, उनको पढ़ के एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं. सो डियर माई फ्रेंड्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड ईच कॉन्सेप्ट इन साइकोलॉजी. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज सेकेंड. Among the following, which type of test are mainly used for educational and vocational counseling? So this is the answer, interest test. Now, next. Question number third. So in this question, behavior equal F ब्रैकेट पी कॉमा ए वेयर ई स्टैंड्स फॉर. यानी जो ऐसा बताया गया था जो बिहेवियर है दैट इज़ द फंक्शन ऑफ पीपल एंड द एनवायरनमेंट. तो इसमें बताना है कि जो यहाँ पे ई है वो किसके लिए स्टैंड करता है. सो ई स्टैंड्स फॉर एनवायरनमेंट. बिहेवियर यानी बी इक्वल एफ ब्रैकेट पी कॉमा ए. तो जो बिहेवियर होता है वो क्या होता है, वो होता है व्यक्ति अपने एनवायरनमेंट में, यानी कोई पीपल अपने एनवायरनमेंट में कैसे फंक्शन करता है, वो उसका बिहेवियर है. तो ई का मतलब है एनवायरनमेंट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. अमंग द फॉलोइंग विच वन इज द एग्जांपल ऑफ इंटरेस्ट इन्वेंटरी. इंटरेस्ट इन्वेंटरी का एग्जाम्पल क्या है, कोडर्स प्रिफरेंस रिकॉर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच स्केल्स आर फ्रिक्वेंटली यूज बाई कंपनीज फॉर मार्केटिंग टू डिटरमाइन इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस फॉर ब्रांड्स और आइटम्स. ये एटीट्यूड जो टेस्ट होते हैं उनको यूज किया जाता है. सो नाउ अंडरस्टैंड ये जो क्वेश्चन पूछे हैं, कभी आप देखेंगे पर्सनैलिटी से आ गया कोई क्वेश्चन, कोई OG से आ गया, कोई आपके साइकोलॉजिकल टेस्टिंग से आ गया. अभी आपको क्लिनिकल से भी मिलेंगे, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी से मिलेंगे, सोशल साइकोलॉजी से मिलेंगे. तो यहाँ पे सब कुछ है. देर इज़ नॉट एनी पर्टिकुलर टॉपिक कि उतना पढ़ के आप एग्जाम में क्वालिफाई कर लेंगे, नो. सो माई सजेशन इज दैट आप अभी से अपनी स्टडी को अच्छे से शुरू कीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज विच स्किल्स हेल्प्स द काउंसलर टू फोकस ऑन द सिग्निफिकेंट इश्यूज लाइक आइडेंटिफाइंग गैप्स इन द इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ आउट रिलेवेंट इंफॉर्मेशन. तो ये आपके काउंसलिंग टेक्निक से क्वेश्चन है. सो आंसर इसका है एनालिटिकल.
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेज इन जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट लास्ट फ्रॉम 7 to 11 ईयर्स, कौन सी स्टेज रहती है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। आपका ये डेवलपमेंटल साइकोलॉजी से हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अप्रोच ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज कंसर्न विथ ऑल पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इंटरेक्ट विथ ईच अदर इन अ कॉम्प्लेक्स मैनर। ये आपका सिस्टम से, आपके ओजी से हो गया क्वेश्चन। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको दिखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, नेम द टाइप ऑफ इंटरव्यू, नेम द टाइप ऑफ इंटरव्यू दैट ऑफन यूजेज ओपन एंडेड क्वेश्चन आस्क फॉर मोर एक्सप्लेनेशन एंड एलेबोरेशन ऑन द पार्ट ऑफ द क्लाइंट। तो ये ऐसे क्वेश्चन जो ओपन टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, ये अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं। सो एक ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, नेम एन इंटरेक्शन दैट सर्व टू फुलफिल सम सेटिस्फैक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल हु इज अ पार्ट ऑफ द कलेक्टिव एंड हेल्प्स टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर हिज इंटरेक्शन विद स्पेसिफिक मेंबर्स। ये आपका ग्रुप बिहेवियर हो गया, सोशल साइकोलॉजिस्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट, अंडर विच मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर द वर्कर्स फील अ सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन एंड टास्क इन्वॉल्वमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये सपोर्टिव, ये आपके किससे हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी से क्वेश्चन हो गया। तो आपको सभी टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी ए टी स्टैंड्स फॉर, डी ए टी किसके लिए है ये बताना है। सो द आंसर इज डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट। नेक्स्ट, ब्लैंक इज ऑफन यूज इन क्लिनिकल केसेस और इन सिचुएशंस व्हेन लैब रिसर्च और प्रैक्टिकल इज नॉट पॉसिबल, केस स्टडीज का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिस्टम रिसेप्टर्स आर मॉडिफाइड नर्व एंडिंग्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स हुज एक्सॉन्स रन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ स्टिमुलेशन टुवर्ड्स द स्पिनल कॉर्ड्स। ये आपका सोमेटरी सेंसरी होता है, जो आपका बायोलॉजिकल साइकोलॉजी है उसी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन अलाउज कंट्रोल ऑफ एक्सट्रेनियस फैक्टर्स एंड द रिलायबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स कैन बी टेस्टेड बाई रिपीटेड द स्टडी। तो किस टाइप के ऑब्जर्वेशन में ऐसा है, ये स्ट्रक्चर्ड में हो गया। नाउ आई क्यू इज कैलकुलेटेड बाई डिवाइडिंग द मेंटल एज बाई क्रोनोलॉजिकल एज एंड मल्टीप्लाइड बाई 100। ये आंसर सही हो गया। नॉर्मली ब्लैंक नॉर्मली अकर्स वाइल द ओवम इज द फैलोपियन ट्यूब। तो फर्टिलाइजेशन कब होता है, फर्टिलाइजेशन नॉर्मली अकर्स वाइल द ओवम इज इन द फैलोपियन ट्यूब। सो आपका ये बायोलॉजिकल साइकोलॉजी से क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, Which of the organizations have their focus on empowering local people involves some kind of skills transfer and require specific educational or professional qualification। ये आपके long term developmental का है, ये आपके एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट, विच रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ फिटस लीड्स टू इंजेक्शन ऑफ थिक ग्रीन टार लाइक सब्सटेंस नोन एज, इसे मेकोनियम कहते हैं। नेक्स्ट, नेम द मेथड दैट स्टडीज द डेवलपमेंटल चेंजेस सिमल्टेनियसली बाय टेस्टिंग इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट एजेस। आपका क्रॉस सेक्शन मेथड में ऐसा होता है। सो दीज टाइप क्वेश्चंस हैज बीन आस्क्ड इन प्रीवियस क्वेश्चंस। मैं आपको बता दूं कि आप पर्टिकुलर किसी भी बुक से अगर एमसीक्यू रट के जाएंगे, एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो सकते हैं। बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। एंड आपको ध्यान रखना है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप जब होगी, जब आप किसी बुक के थ्रू लाइन बाय लाइन बुक को पढ़ेंगे, चैप्टर को समझेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। क्योंकि इस एग्जाम में सीधा किसी लाइन को उठाकर कोई क्वेश्चन क्रिएट कर दिया जाता है। सो ऑल माय डियर फ्रेंड्स, यू नीड टू स्टडी थ्रू द बुक्स। आप पढ़िएगा बिकॉज अभी आपके पास टाइम है। नेक्स्ट एग्जाम आने वाला है जो कि 50 वैकेंसी के लिए था, तो उसकी भी डेट आ जाएगी, वो एग्जाम भी फिनिश हो जाएगा। बट आप अपने लिए वो मौका मत रखिए कि अरे मैं स्टडी नहीं कर पाया था। जस्ट
ट्राई टू स्टडी ऑन द रेगुलर बेसिस। मैंने आपके लिए बहुत सारे वीडियो साइकोलॉजी के क्रिएट किए हैं, आप उनको देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट की है, आप उनको देख सकते हैं। मैंने जो जोवियल साइकोलॉजी का टेलीग्राम है उस पर आप जा सकते हैं, बहुत कुछ मैंने आपके लिए क्रिएट किया है। सो थैंक यू, नेक्स्ट थर्ड पार्ट में मिलूँगा फिर से नेक्स्ट 20 क्वेश्चन लेकर।